नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हैं आपके सामने, जिसको मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे हेज बनाया जाता है, डिवाइडर के रूप में काम लिया जाता है। ये कितने खूबसूरत पत्ते वाले हैं, ये आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत पत्ते हैं इसके। इसमें नन्हे नन्हे से फ्लावर्स भी आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैं खरीद कर इसको लेके आई थी, लेकिन बहुत दिनों से यह पड़ा हुआ था, मैं इसको लगा नहीं पाई। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं इसको लगाती हूँ और आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। तो ये एक असल में तो ये जो है हेज का काम करता है, हेज में इसको लगाते हैं, डिवाइडर के रूप में लगाते हैं। इसको हम लोग के यहाँ बोलचाल की भाषा में बाल छड़ी कहते हैं। और ये डंठल से, स्टेम से इसको तोड़ो और लगा दो, बहुत ही आसानी से ये तोड़ करके लगा देने से लग जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। हाँ, बीच बीच में जब हेज में और डिवाइडर के रूप में आप लगाए हो तो इसकी काट छाट करते रहने जरूरी है, लेकिन मेरे पास वैसा डिवाइडर करने का कोई हिस्सा बांटने का है नहीं, और मुझे ये पसंद काफ़ी आ रहा है। साथ ही इसके इस तरह से लटके हुए स्टेम आते हैं, तो इसको मैंने सोचा है कि चलो इसको मैं हैंगिंग पॉट में लगा लेती हूँ। हैंगिंग पॉट मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ है, ये हैंगिंग पॉट में दूसरा पौधा लगा हुआ था, इसके नाम भी आप देख रहे होंगे इसमें टंगे हुए हैं, मैंने अभी निकाले भी नहीं है, इसको निकाल लेनी होगी। तो इसी में मैं इसको लगा दूंगी। यह एक बाल्टी है, जो छोटी सी बाल्टी होती है, यह नीचे से इसमें होल हो गए हैं जो मेरे लिए ड्रेनेज होल का काम करेंगे, और इसी में मैं इसको लगा दूंगी। साथ ही ये ऊपर में लटकाने के काम में आएगा, तो चलिए मैं इसमें इसको लगाती हूँ, साथ ही मैं इसके बारे में चर्चा करते रहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसको पानी चाहिए, हेज है, इसको पानी चाहिए, पानी की कमी इसको पसंद नहीं है। रूट्स इसमें पहले से हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, इसको केवल डिवाइड करके मुझे जगह जगह पर लगा देनी है। इस तरह से इसको मैं इसमें लगा देती हूँ, बीच में इसमें सॉइल भर देने होंगे, क्योंकि इसमें अलग से सॉइल लगाकर ये नहीं किया जा सकता है। सॉइल में की बात करोगे तो ये सॉइल में बस केवल खेत की मिट्टी है, थोड़ी सी काऊ डंग है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखी इसमें। इसको चाहिए भी कुछ खास नहीं, इसको जैसे भी लगा दोगे ये इसी तरह से, देख रहे हो कि इस तरह से बढ़ रहा है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसमें कुछ पेस्ट वगैरह का भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, इसको काटना छाटना जरूरी है, पोर्निंग इसकी ज़रूरी है, और उसको आपको समय समय पर करते रहनी होगी। ये मैं हैंगिंग पॉट में इसको लगा रही हूँ, हैंग करके इसको रखने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इसमें इसको डाल दिया है। ऐसे प्लांट को आप इस तरह से डाल दो, डाल करके ऊपर से इसमें सॉइल डाल देनी है।